वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। ओहो, पाली 2017 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हो गया। 2016 डाउन शुरू हो गया है। हाँ। और लोगों के पैग भी डाउन शुरू हो गए हैं ऑलमोस्ट। सारे टल्ली आज रात को एक दूसरे से लोग गले मिलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय करेंगे, अगले दिन सुबह बीबी से पिटेंगे कि रात को दारू पी के किससे गले लग रहा था। 2017 दिख रहा तेरे को, ये खतरा नहीं दिख रहा तेरे को, ये सब बातें होने वाली हैं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ जब न्यू ईयर का प्लानिंग करते हैं ना, बातें होती हैं स्विट्जरलैंड से शुरू। ले शार्लिंग स्विट्जरलैंड चलते हैं, वहां इतनी बर्फ होगी, मजा आएगा। फिर जब बजट देखते हैं उसके बाद ठंड तो शिमला में भी उतनी पड़ती, उधर चले जाते हैं। फिर जब शिमला में बजट में नहीं आता, फिर मेन जो रीजन होता ना ठंड, जिसकी वजह से प्लानिंग हो रही थी, उसी को शुरुआत बताते, इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे, इधर बैठो। फिर घर के अंदर ही साफ सुथरे कपड़े पहन के ना कुछ साफ सा कोना ढूंढ के उधर ही सेल्फी की चले थे, सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट वेरी फैंटास्टिक प्लेस, जगह नहीं बताते। फिर पोस्ट कर देते हैं वो तो जब उनके खुद के पिताजी नीचे कमेंट करते हैं, बेटा वो जो राजमा चावल खाते फैमिली पिक्चर ली थी वो भी डाल देना, तब लोगों को पता चलता है। पर इस साल कई कहावतें सच हुई हैं। लोग कहते हैं ना पैसा पानी की तरह बहा दिया, तो जिनके 30 तक जमा नहीं हुए ना वो बहा भी रहे हैं। बहुत सारी दूसरी बातें ऐसी भी सच हुई हैं, कुछ लोग बोलते थे कि हे भगवान मेरे अकाउंट में इतना पैसा हो कि निकलवाता जाऊं खाली ना हो। हाँ। तो सच भी हुआ है, 2000 करके निकलवा रहे हैं, खाली हो ही नहीं रहा। अच्छा, कुछ लोग रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल में कि इस साल मैंने दारू छोड़ देनी है। हाँ। और इस चक्कर में 31 दिसंबर को इतनी पी लेते हैं ना, वो 6 जनवरी तक चढ़ी रहती है। फिर कहते हैं 6 जनवरी तक तो निकल गया, अभी बाकी रहा है कितना है, अगले साल छोड़ेंगे। मतलब जिन्होंने नहीं छोड़ना वो नहीं छोड़ते, वायदे और अंडे तो तोड़ने के लिए ही होते। अच्छा, कुछ लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मैं बीवी से प्यार करूंगा। हाँ। किसकी बीवी से करूंगा ये नहीं बताते कमबख्त। 2016 जो है वो विमेन एम्पावरमेंट के नाम रहा है, ओलंपिक से लेके पैरा ओलंपिक्स तक हमारे देश की महिलाओं ने ढेर सारे मेडल जीते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी विमेन एम्पावरमेंट जो है उसका सिक्का जमा रहा, फिर चाहे पिंक हो, नीरजा हो या दंगल हो, पूरे देश में एक ही बात गूंज रही है कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। बिल्कुल। तो पाजी, आज एक ऐसी ही फीमेल गेस्ट को मैं यहां बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने न्यूज रीडिंग और एंकरिंग की दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। प्लीज वेलकम बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट, सबसे तेज न्यूज रिपोर्टर में से एक, माय फेवरेट, श्वेता सिंह। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। श्वेता जी, आपको पता है आपने इस इंडस्ट्री में, न्यूज इंडस्ट्री में, वो क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन ले आई आप। बिल्कुल। पहले घर के सिर्फ बुजुर्ग न्यूज देखा करते थे, आपने जवान लड़कों को न्यूज देखने पर लगा दी। सीरियसली बाजी, मैं जब भी इनको देखता हूँ ना, सूखे की खबर भी सुनाती ना, तो ऐसा लगता है मानसून आ रहे हैं। अभी हाल ही में नोटबंदी की न्यूज सुना रही थी ये, और हमारे चचा वोचा सब लड़के सब खुश हो रहे थे, तो मैं कहा नोट बंद हो रहे हैं आप खुश हो रहे हैं, कहते हमारी तो पेमेंट हो रही है। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए श्वेता यहाँ पे विराजमान हो जाइए जी। एक बात बताइए, वैसे आप शुरू से न्यूज रिपोर्टर ही बनना चाहती थी कि फिल्मों में भी आपने कभी? मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी, मैं छोटी सी थी तब से स्क्रिप्ट्स लिखा करती थी। अच्छा। लेकिन एक छोटे से शहर से आती थी तो कभी मौका नहीं मिला। ओके, तो मतलब फिर न्यूज में कैसे आना हुआ? टीवी न्यूज की शुरुआत हुई, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते थे जी। तो नौकरी मिल गई, बहुत छोटी उम्र में नौकरी लग गई, तो उसके बाद बस। एक्चुअली मैम, हम काफी सालों से आपको देखते आ रहे हैं और बहुत ही प्यारी लगती है आप, न्यूज़ पढ़ती हुई बहुत अच्छी लगती हैं, मैं सच में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। इनके चक्कर में आदमी ना न्यूज़ सुनी भी होती 10 बार, सेम न्यूज़ 10-15 बार सुन लेता है आदमी। अच्छा, वैसे आपको कभी फिल्म का ऑफर नहीं आया? कभी आया तो समझ नहीं आती है कि आप तारीफ कब करते हैं और खिंचाई कब करते हैं। सीरियसली मैं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि कितने सारे न्यूज़ चैनल होते हैं, कभी न्यूज़पेपर हैं, सोशल नेटवर्किंग है, तो न्यूज़ पता भी चल जाती है, लेकिन दोबारा जब आप आती हैं तो आदमी कहता है चलो सुनी लो। पिछली बार में इन्होंने बोला था कि कोहली ने 140 रन बनाए, हमें पता है कि दूसरी उसी पारी में बढ़ थोड़ी जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं, क्या पता 2-4 स्कोर बढ़ी जाएंगे। जोक सपाट, पर मज़ा आता है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो गई न्यूज़ पाजी, कमर्शलाइज भी हो गई। मैंने बहुत बार कहा ना कि कई बार कातिल की खबर भी बताते हैं आप, नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर हैं जो कातिल की खबर बताते हैं ना, फोटो रख के साइड पे, तो देखते ध्यान से देखिए ये कातिल हो सकता है आपके घर में हो, इतने कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं ना, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है।
कई बार ऐसा होता है भाई, जो पहले की न्यूज रीडर होती थी ना, वो एक्चुअली एक ही जगह पे बैठ के न्यूज पढ़ देती थी। अच्छा? सामने टेबल लगा रहता था और नीचे बैठे बैठे स्वेटर बुन लेती थी अपना। पता नहीं चलता था सामने देखने वाले को, आज भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पे निकलेंगे। प्रधानमंत्री का नेपाल का दौरा खत्म ही नहीं हुआ, इनका स्वेटर पूरा हो जाता था। पर अब एक्चुअली इन्होंने स्टाइलिश कर दिया है न्यूज वर्ड को। ये खड़ी होती हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं इन्होंने। और दूसरी बात है कि वॉक करते करते भी न्यूज आती है ना, इनके ऐसा होता है जब चल चल के स्टूडियो में हैंडी कैमरा साथ साथ फॉलो करता है। सरकार ने किया नोटबंदी का ऐलान, तो बड़ा मजा आता है मतलब देख के। विराट कोहली ने अपने बल्ले से दिखाए जौहर, 40 शानदार रन बनाए, हमें लगता 150-200 बना लिया, इतना मजा आता है। एक्चुअली वॉक भी काफी हो जाती है ना मैम। वो स्टूडियो के अंदर का आपको दिखाई देता है, और अब जब हम धूल मिट्टी में बाहर खड़े होकर या तो बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या क्रिकेट मैच में, क्रिकेटर्स स्टेडियम में, लेकिन हम लोग बाहर खड़े होकर गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, पुलिस वाले हटा रहे हैं, लेकिन वहीं पर खड़े होकर माइक पर बोलना है। आपको मैंने ज्यादातर स्टूडियो में दिखाया मेरे और प्रोग्राम्स देखा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है एक खूबसूरत ना, तो इनको बोल देते चैनल वाले आप स्टूडियो में रहो, कहां धूल मिट्टी में जाओगी। तो जो अनफिट हो जाते ना मोटे मोटे, उनको बोलते चलो फील्ड में भागो। मैम आप इतनी स्टाइलिश न्यूज रीडर हैं, तो आप मतलब जैसे फिल्मी एक्ट्रेसेस होते हैं उनका पूरा स्टाफ होता है, एक टीम होती है स्टाइलिश, उनके हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप और कपड़े, तो आपका भी ऐसा रहता है मतलब? हमारा कोई नहीं रहता। अच्छा, सब कुछ खुद करना होता है। हाँ। खुद ही रेडी होके और 5 मिनट में बिल्कुल। तो जैसे नोटबंदी की खबर आई तो बैंक एम्प्लॉइज जो हैं उनका काम बहुत बढ़ गया रात रात तक, तो आपका भी ऐसे ही होता कोई ब्रेकिंग? 24 घंटे तो आपने... 2 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो भी, उसमें भी काम करना है। मैंने बहुत बार देखा, मैं एक दो बार आज तक जाना हुआ हमारा, तो श्वेता जी रेडी होती है, कभी भी कुछ भी आ सकता है न्यूज, तो ये रेडी एकदम से, ओके ये न्यूज आगे कैमरा ऑन। मैम आपने आज तक सबसे लंबा शूट कब किया है? जिस दिन आप आए थे हमारे स्टूडियो में रात 2 बजे। सवेरा तो 6 बजे स्टार्ट होना ही है, लेकिन उस दिन रात 2 से 3 में इंटरव्यू करना पड़ा था। क्या बात है। नहीं वो एक्चुअली फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में हम लोग जगह जगह जा रहे थे, तो इट वाज अ वेरी बिजी शेड्यूल। अच्छा श्वेता मैम, ऐसा होता है कि जैसे कोई स्पेशल ओकेजन है, जैसे न्यू ईयर है या होली है, तो उसके लिए ड्रेस कोड आप अलग से सिलेक्ट करती है? थोड़ा मतलब तो होता ही है कि होली है तो आज 3 रंग का दुपट्टा ले लें, ऐसा? हाँ होता है। होता है, बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, तिरंगा। हाँ वो तो पक्का फिक्स है। पक्का फिक्स। वैलेंटाइन पे क्या होता है? रेड। वो रेड में आप बड़ी अच्छी लगती कसम से। वो आप रेड पहनती है ना तो बाकी चैनल अपने आप रुक जाते हैं। मतलब आप पे बहुत सूट करता है। आज तक हम तो बरसों तक देखने उस तैयार। मेरी मम्मी ने एक सवाल भेजा था आपके लिए। अच्छा। कहती थी श्वेता से एक बात पूछना कि आप इतनी जल्दी जल्दी पढ़ जाती न्यूज, इतनी जल्दी किस बात की रहती? गैस पे दूध चढ़ा के आती हैं आप क्या? पाजी 100-200 खबरें चलाते हैं हम एक साथ, खबर शतक जी। उनको तो टेस्ट मैच अगर खेलते थे तो टाइम रहता था कितने भी बॉल में बना लो अपने 100 रन। ये T20 चल रहा है अब, T20 है न्यूज, जल्दी जल्दी बता देंगे नहीं तो खबर रह जाएगी, खबर आएगी ही नहीं सारी। तो इनका काम भी बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली, हम लोगों ने देखा है स्टूडियोज में जाके, और आप, हमें आप पे बहुत गर्व है। इनकी खासियत भी होती है एक, कि अगर न्यूज इतनी दमदार नहीं है लेकिन उसको ऐसे अंदाज में कहते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज भी बना सकते हैं, सनसनीखेज भी बना सकते हैं। अगर आपको सुबह हमारे हमारे शो के बारे में कोई न्यूज बनानी हो, आप वहां पे जाके अपने स्टाइल में बोल सकती हैं जी। आइए तो पेश है श्वेता सिंह लाइव फ्रॉम TKSS। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप चैनल पे देख रहे हैं, दर्शकों से खचाखच भरा ये ऑडिटोरियम, इसमें तकरीबन 300 लोग फंसे हुए हैं, वो चाह रहे हैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि कपिल शर्मा का शो चल रहा है। इस ऑडिटोरियम में किसी सेलिब्रिटी के फंसे होने के आसार भी हमें बताए जा रहे हैं, इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लीजिए सबसे पहले आपके लिए हम खुलासा कर रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी कौन है, वो है पॉलिटिशियन और भूतपूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू। ठहाके से उनका बुरा हाल हो रहा है। सिद्धू जी इस मौके पर ठोको ताली के अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप? आज कुछ आए फिर आज, क्या बात है। तुम जो मर्जी कह लो, मैं अपने ढंग से चलूंगा। इन्होंने कहा पता नहीं बुरा हाल है, फंस गए हैं। भला बुरा तो परवरदिगार करता है, अरे सिद्धू तू क्यों गिला उससे बार बार करता है? सही वक्त है, सही वक्त है, सियासत में कदम धर दे, देख पूरा हिंदुस्तान तुझ पे एतबार रखता है।
आज पहली बार आपने अपनी तारीफ में शेर कहा है वैसे। अच्छा पाजी, अक्सर लड़कियों की आदत होती है ना, कोई अच्छी ड्रेस पहने और दूसरी सहेली पूछे कहाँ से ली है, तो जानबूझ के इधर वाली जगह बता देंगी, लेके आई इधर से, ताकि वो भी ना खरीद ले। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई फ्रेंड होंगी दूसरे चैनल में, तो आपको पूछा, अरे ये खबर कहाँ से मिली, तो आपने गलत जगह भेज दिया? ऑफ कोर्स, हमेशा करना होता है। ऑनेस्टी के लिए तो तालियां बनती पहले। देखो तीन चीजें होती हैं जर्नलिज्म में, और ये एवोल्यूशन है जर्नलिज्म की। देखो पहले लिखने का अपना असर है, बहुत तगड़ा असर है, लेकिन जो लिखने का असर है उससे ज्यादा बोलने का असर है। ये वेद कहते हैं, मैं नहीं कहता, और बोलने से ज्यादा दिखने का असर है। तीनों कलाओं में संपन्न है मोहतरमा। तो समझे, तो जैसे सिद्धू जी ने कहा कि बोलना, दिखना, सुनना, चेहरा, सब बातें, कहने का मतलब फ्लर्ट ये भी करते हैं, पर ये वेदों का सहारा लेके आ गए, तो मैंने सीधा कर दिया। ठोक दे, बिल मेरे पे फाड़ दे। अच्छा मैम ने, मैंने देखा आपको, आपके सामने बहुत अच्छे अच्छों की जुबान बंद हो जाती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी बोलती किसी के सामने बंद हो गई हो? अभी हो गई थी ना। अरे ये तो मतलब आपको आज तक सबसे ज्यादा नर्वस कब हुई आप, कि डर गई हूँ कि अरे मैं इनका इंटरव्यू कैसे करूंगी? सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू। उनसे क्यों डर गए? वो तो बड़े नहीं, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है। आपको दरअसल एक इंसिडेंट हुआ था, गाड़ी खराब हो गई थी उनकी श्रीलंका में, हम कवरेज के लिए वहां पर उस वक्त मौजूद थे, तो भज्जी आए और कहा कि आपकी गाड़ी में लिफ्ट ले सकते हैं? हमने कहा एक की जगह, नहीं तो बोले नहीं दो की जगह चाहिए। कि कौन आ रहा है? तो वो बोले सचिन तेंदुलकर। पूरी गाड़ी में हम तीन लोग थे पहले से, हरभजन आए, और उसके बाद जब सचिन बैठे आकर जी, वो रास्ता प्रेमदासा स्टेडियम का था सिद्धू जी, ओहो, और करीब 45 मिनट हम सब चुप रहे, बस वो बोलते रहे जी। अच्छा हाँ, ये कैसी किस्मत है आपकी, गाड़ी में बिना बताए आ गए, हम तो बुला बुला के मर गए आते ही। भाई आपने एक चीज देखी होगी न्यूज चैनल में, हाँ। अगर कोई भी सुपोज मुद्दा उठ गया, हाँ। उस मुद्दे पे डिबेट होती है, हाँ। और उसके एक्सपर्ट भी आ जाते हैं, किस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट आए हैं। अच्छा वो एक्सपर्ट आपको कहाँ से मिल जाते हैं? मतलब हर मुद्दे पे एक्सपर्ट मिल जाते हैं, और वो इतने एक्सपर्ट है तो फिर खाली क्यों बैठे होते हैं वो? वो कम बाहर ही रहते हैं न्यूज चैनल के। मुझे तो लगता है ये लोग ना 5-7 लोग ही हैं टोटल, ज्यादा है नहीं, तो न्यूज चैनल के बाहर बैठे रहते हैं वो, बाहर सिगरेट पीते, क्या हुआ, क्या ट्वीट कर दिया, हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ ना, हाँ जी जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं कि आपके न्यूज चैनल के बाहर तो नहीं घूमते। अगर इसके बाद किसी गेस्ट ने मेरे चैनल पे आने से मना किया कि आप लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो फिर आप देखिएगा, फिर हर मुद्दे पर एक्सपर्ट बनकर आप आए किसी देश में। मैं आ जा करूंगा, मैं हर मुद्दे पर बोल सकता हूँ। श्वेता जी ने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया हुआ, मोदी साहब का, जेटली साहब का, कभी आपके रिश्तेदारों ने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी कि आप अरुण जेटली से मिलने जा रहे हैं, हमारे नोट बदलवा देना? ऐसा बोलते ही होंगे रिश्तेदार, बोल ही सकते हैं, कब बोलते हैं कभी? जैसे आप लाइव कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, आपको तो कोई रोकेगा नहीं, सब पहचानते हैं, तो रिश्तेदार बोलते नहीं फिल्म फेयर का पास ही दिलवा दो ऐसे? हाँ, पासेस के लिए तो बहुत होता है, बोलते हैं ना, हाँ, मैचेस के पासेस के लिए, इवेंट्स के पासेस के लिए, मतलब सारे रिश्तेदार एक जैसे ही होते हैं। अच्छा मैंने अभी जब नोटबंदी शुरू हुई ना, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स मैंने देखा जाके ना ATM की लाइन के बाहर खड़े हो गए, जैसे कैमरा, एक कैमरामैन रहते हैं और एक माइक लेके जो रिपोर्टर, तो वहां पे इस वक्त मैं ATM के बाहर खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है, लोग पैसे निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आइए हम देख लेते हैं कि ATM से पैसे निकलते हैं कि नहीं, जरा हटिए, देखने दीजिए, जरा हटिए, पहुंचा, दो कार्ड डाले, 2,500 निकल रहे हैं। बाद में जाके कैमरा मैन को ढाई दिया, अपना ढाई जेब में डाला, ऐसा होता है, जुगाड़ लगाया। नोटबंदी के बाद जब ATMs चालू हुए, तो पहले दिन हर एक चैनल के हर रिपोर्टर ने ये किया था कि हम दिखाते नहीं, हाँ। हम दिख, आइए हम आपको दिखाएं कि इस ATM से दरअसल पैसे निकलते कैसे हैं, ये मैंने कार्ड डाला, भैया हटना, ये पिन डाला, अच्छा देखिए सचमुच में 2,000 रुपए निकले, सब निकाल कर लेकर आए थे। वेरी फनी। एक्चुअली ना मैंने जब आप आ रही थी, तो हमारी टीम जो आपके बारे में सब रिसर्च कर रहे थे कि आपका ब्लॉग जो आप कभी लिखती हैं या आप कुछ ट्वीट करती हैं या फेसबुक पे आप कुछ ऐसा डालती हैं, तो नीचे लोग उस खबर की बात ही नहीं करते। मेरे पास ये लाइव एग्जांपल है, इन्होंने कोई खबर बोली कुछ भी, और किसी ने नीचे क्या लिखा है, लुकिंग टू हॉट, किसी लिखा श्वेता सिंह जी
चैनल मुझे पसंद ना आए ना आए, आप बहुत पसंद हो. अच्छा एक ने तो और मतलब मेरे जैसा ही पूरा. श्वेता यू नो व्हाई आज तक होल्ड्स नंबर वन पोजीशन? सो सिंपल, बिकॉज दे होल्ड नंबर वन एंकर फ्रॉम लास्ट पास्ट 9 ईयर. तो ये रियल कमेंट्स हैं. तो मैं ये ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर, बड़ी बात नहीं है, अगर आप इसमें ट्राई करती फिल्मों में तो आप फिल्में भी कर सकती थी. अगर आपको कोई डायलॉग दिया जाए, ऐसे जनता सुनना चाहती है, कोई 2-3 मैं आपको डायलॉग देता हूँ, वो आपको अपने स्टाइल में बोलना, जैसे मर्जी आपका दिल करे, जैसे बोलेंगे अच्छे ही लगेंगे. थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है. सामने आप समझिए कि आपका हीरो है. मतलब वाकई हीरो को ही बोलना है? जी, मान लगा दर्शकों को बोलना है. नहीं, दर्शकों को नहीं, मुझे बोल दीजिए. लेकिन मुझे थप्पड़ से ही डर लगता है. प्यार से नहीं लगता? तो इसको मैं साइन समझूं? I mean, फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं हूं एंटरटेनमेंट. फिल्में सिर्फ 3 वजह से ही चलती हैं, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूं. बहुत अच्छे. आजकल ना न्यूज इतनी हो गई है, आजकल वो जो नई चीज आती है, एक मिनट में 100 खबरें, तो वो 100 खबरें जब शुरू होती हैं, पहले तो बड़ी बड़ी होती हैं कि मोदी मिले ओबामा से, ऐसी सी न्यूज यहां से शुरू हुई. 3, 4, 5, 6, 10, 20 तक तो अच्छी अच्छी आती हैं, 21, 22 तक जाके खत्म हो जाती है उनके पास. फिर न्यूज अजीब जी आने लगती है. क्या? पेरेंट्स मीटिंग पर मिलने गई महिला को ले भागा हेडमास्टर. ये झूठ है, सच्ची बात है. दहेज मांगने वाले ससुर पे मुंह पे थूक के भागी दुल्हन. तकरीबन आपके मैक्सिमम जो है लाइव होता है, तो कब, अगर कभी गलती हो जाए तो आप फिर मैनेज कैसे करते हैं ऐसे? तो हमारे जो 100 खबर होते हैं हमारे सामने लिख कर आते हैं, और बहुत तेज रफ्तार से उसे बोलना पड़ता है, क्योंकि वो होता है 10 मिनट 50 खबरें, राइट, 5 मिनट 100 खबरें, कुछ भी रहता है. जी जी. पता नहीं उस दिन उस प्रोड्यूसर ने जानबूझकर मेरे साथ किया था या वो सचमुच में हुआ था. क्या हुआ? लकड़ी की तस्करी हो रही थी. अच्छा. और लकड़ी में नोट की बात थी और बहुत सारी चीजें थी ऐसी. जितनी बार लकड़ी लिखना था उतनी बार उसने लड़की लिख दिया. तो आपने पढ़ भी दिया? 1-2 बार तो निकल जाता है जुबान से. हाँ, एक्चुअली सामने लिखा है तो फटाफट जो लिखा जाए उसके, और लाइव है तो आप कितनी बार बोलेंगे माफ करिएगा लकड़ी नहीं लड़की नहीं. टंग ट्विस्टर है ये. तो और उसके बाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है. आप बोलते रहिए कि लड़की की तस्करी, माफ कीजिएगा, लकड़ी की तस्करी हो रही थी और लड़की में नोट छुप. आपको 6 सेकंड में पूरी खबर बतानी है और लड़की का लकड़ी हो रहा है. पर बहुत मुश्किल काम है आपका. हैट्स ऑफ टू यू. श्वेता जी, आप इतने सारे लोगों का इंटरव्यू करती हैं, इतनी ब्रेकिंग न्यूज देती हैं, यहाँ पे आपके फैंस बैठे हुए हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं. जी, कौन आ रहा है पहले? सबसे पहले हाथ खड़ा करें. जी, लफंगा कहीं का, चश्मा कहाँ पे लगाया? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं लगा लेता हूँ, फेस पे लगा लेता हूँ. हैं? Oh wow, man, you are looking handsome. सत श्री अकाल सिद्धू भाई. सत श्री अकाल. हेलो कपिल सर. हेलो. हेलो श्वेता मैम. मैं कुछ क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, बट मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको मैम. जी. वैसे तो मैं खबरें इतना देखता नहीं हूँ, बट लेकिन जब भी आप खबरें पढ़ रही होती हैं तभी मैं खबरें देखता हूँ. चश्मा उतार दीजिए, आपके आंखों की शरारत मुझे दिख नहीं रही है. अच्छा, तो जब श्वेता खबरें पढ़ती तब आप देखते हैं? तभी लोग सुनते हैं खबरें, आप देखते हैं. उसका कारण है सर, जैसे जब खबरें देख रहा हूँ, श्वेता मैम पढ़ रहे होते हैं तभी मैं खबरें देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कोई आइकॉनिक ड्रीम गर्ल हीरोइन बाहर आकर के डांस करने लगी है और मैं भी उनके साथ डांस करने लग गया हूँ. मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था. मेरा तो ये ड्रीम था मैम, मैं चाहूंगा कि ये ड्रीम मेरा पूरा हो जाए. सपनों के सौदागर, आजा आजा स्टेज पे आजा. थैंक यू. तो आ गया जी सपनों का सौदागर. हाउ आर यू? न्यूज वाला थोड़ा और वैसा भी है ना, थोड़ा डर भी जाता है आदमी. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू सर. जी, और कोई मेरे दोस्त श्वेता जी से बात करने जाते हैं. जी भाई साहब. सबसे पहले मैं सबको यहाँ जय हिंद कहना चाहूंगा. फौजी लग रहे हैं. मैं क्योंकि एक सोल्जर हूँ, यहाँ पर पोस्टेड हूँ. क्या बात है. और बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सर. सर, श्वेता जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरे पूरे जितने साथी हैं और मेरे परिवार भी आपका बहुत ज़्यादा फैन है. बहुत सारा न्यूज़ चलता है, लेकिन आफिक हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो और इतनी स्मार्ट हो.
इतनी सुंदर हो. अच्छा मैं जब ये बातें करूं तो मैं फ्लर्ट हूं. हाँ. अभी तो सोल्जर की तरफ से आ रही बातें. पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. सोल्जर, सोल्जर का भी दिल होता है सर. ये बिल्कुल सही बात है जी. तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लाइफ में भी एक मुद्दा हुआ था, मैं चाहूंगा उस मुद्दे पे आप एक न्यूज पोस्ट कीजिए. क्या क्या? मेरी शादी जब हुई थी, मेरे शादी में रसगुल्ला कम पड़ गया था, जिससे मेरे जीजा और मेरे दोस्त लोग पूरे नाराज हो गए. उसमें मैं चाहूंगा मैम. एक जीजा, जीजा रसगुल्ले के लिए नाराज हो गया जी. उसको बोलो भाई अपनी बहन तुम्हारे घर में दे दी, रसगुल्ला ही रह गया था अभी. आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार आरा जिला का. अरे आरा ही ले छपरा ही ले बलिया ही ले ला तोहरी लचके जब कमरिया के सारा चीला ही ले ला तोहरी. सारा गाना खत्म हो गया, उसके बाद ढोलक टिट्टा टिट्टा टिट्टा. जा यार, मेरा मोमेंट ही खराब कर दिया. मैंने नहीं करना, जा तेरे साथ शो. सर मेरा वो जो डेबिट होना था वो तो हुआ ही नहीं. चर्चा की जाए जी सर, प्लीज सर जी. तो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे. एक हमारे फौजी भाई हैं जिनकी शादी में रसगुल्ले खत्म हो गए, तो उनका आगे बताइए. आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है. संतोष कुमार, सरहद पर एक सैनिक तैनात रहता है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन जब वो अपने परिवार के पास जाता है, उसका परिवार जो मीलों दूर देश के किसी न किसी कोने में रहता है, उसकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? हम आपको कहानी सुना रहे हैं एक ऐसे ही सिपाही संतोष कुमार की, जिसकी शादी में रसगुल्ले को लेकर, एक छोटे से रसगुल्ले को लेकर विवाद खड़ा हो गया. हमारे साथ रसगुल्ला और रिश्तों के एक्सपर्ट कपिल शर्मा जी मौजूद हैं. नमस्कार करीबा. जी बहुत गुँ, बहुत गुँ. ये बहुत ही बुरा हुआ जो आपकी शादी में रसगुल्ले कम पड़े और नाराज भी हुए जीजा जी. जीजा जी बताया आपने. जी. तो ये जो जीजा होते हैं, ये किसी ना किसी के तो ये भी साले होते हैं. तो साले ने कर दिया काम, वही नाराज हो गया. तो उनको नाराज नहीं होना चाहिए था, उनको दूसरी, क्योंकि जब शादियां होती हैं तो सीजन होता है पूरा, तो इधर नहीं तो उधर किसी दूसरी शादी में घुस के रसगुल्ला खा सकते थे. बात को बढ़ावा देने का कोई इतना मतलब नहीं था. लेकिन अब इसमें किया क्या जाए? देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ एक बेकार चर्चा के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं. तो जीजा जो छोटे से रसगुल्ले के लिए नाराज हो गया, उससे बहन वापस ले लेनी चाहिए. तो ये तय हुआ कि क्योंकि एक छोटे से रसगुल्ले के लिए बेमतलब ये विवाद खड़ा हुआ है, उससे बहन अपनी वापस ले ली जाए उस रसगुल्ले के बदले में. ये बहन वापस ले लेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है आजकल रिश्ता जोड़ने के लिए. आजकल लड़के तो मजाक कर रहे भाई. बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, और सल्यूट है आप सब सिपाहियों को जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं. थैंक यू सर. शुक्रिया शुक्रिया संतोष जी. जी और कोई मेरे दोस्त? जी मैम. जैसे आप अपनी न्यूज पे पैनी नजर रखते हैं, वैसे मैं भी अपने पति पे पैनी नजर रखना चाहती हूँ. तो पति आए हैं साथ में? नहीं, वो कैसे आएंगे? तो आप शो देखने आएंगे तो फिर कौन रखेगा नजर? तो इसका सॉल्यूशन तो मुझे यही आके निकालना था ना. ये तो श्वेता जी पता नहीं बता क्या. पैनी नजर कैसे रखी जाए पति पे? देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी होता है, जैसे हम खबरों पर पैनी नजर रखने के लिए जो खबर बनाते हैं उनसे दोस्ती अच्छी हमारी होनी होती है, तो पति के अलावा बाकी सबसे आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए. नहीं, जो आपको सब सच सच बता दें. एक्चुअली वैलिड है बात, पॉइंट है. सही है बिल्कुल. एक काम करो ना, पति के सारे दोस्तों से दोस्ती कर लो, उसके बाद पति आप पे नजर रखनी शुरू कर देगा. फिर कर दे तू घर बर्बाद कर दे उनके पति का. ओहो, नए साल वाले दिन क्या बातें हो रही है. नहीं, जब एक्चुअल में क्या है कि जब उनका फोन घर आ जाते हैं और फोन बजता है, तो वो इधर उधर नजर रख के कहीं अलग से जाके और वो फोन में बात करते हैं. अच्छा. वो मेरे सामने नहीं करते हैं. और जब वो वापस फोन रख देते हैं और मैं वो चेक करती हूँ, तो फोन ही डिलीट हो जाता है. तो मैं ये मतलब मेरे को मैं उन पे कैसे निगाह रखूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपके मन का वहम है, उनका चक्कर चल रहा होगा कोई. नहीं तो अब मैं उसका सॉल्यूशन कैसे करूं? बस दो तरीके हैं. एक, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं ऐसे. हाँ, मैं बाद में बता दूंगी आपको सॉफ्टवेयर. दूसरा तरीका,
बस मन में उनके वहम डाल दीजिए कि आपने वो सॉफ्टवेयर डाल दिया है। तो बस बोल दीजिए आप उनको खाली कि आपकी पेंट में मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया। वो दूसरे दिन से पेंट ही नहीं पहनेंगे। पर शुक्रिया मैम, आप बहुत दिलचस्प हैं, बहुत प्यारी हैं आप। शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। श्वेता मैम, आपको हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे ही बड़े मनोरंजक, एक्चुअली हमारे शो में आते लोग इस मूड से हैं, पर आपको सबसे ज्यादा मजा किस मैम, क्योंकि मैं मेरे पास जनरली जब शोज में जाती हूँ इस तरह से, या कोई भी अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पर ही शूट कर रही हूँ, तो मुझे मैं देखती हूँ कि जो तालियां हैं वो अलग रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, आके अलग रिकॉर्ड करने पड़ते हैं जी। यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि एक भी शब्द छोड़ नहीं रहे। ये लोगों का प्यार है मैम, और क्या कह सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा एक मोबाइल है, ये आपका जिनको देने को दिल करे आप गिफ्ट कर सकती हैं। देखिए वैसे तो सब लोग बहुत इंटरेस्टिंग थे, लेकिन एक खास ऐसी हैं जिन्हें जरूरत है इसकी। अच्छा, मैंने उस सॉफ्टवेयर की बात की थी, वो देखिए पहले जश्न मनाने लगी हैं। आइए। श्वेता एक सेल्फी आपके साथ हो जाए। थैंक यू सो मच श्वेता, आप हमारे शो में आई, इतना मजा आया आपसे बातें करके, और हमारे दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सारी खबरें जो हैं वो खुशी खुशी वाली सुनाएं। उम्मीद है खबरें अच्छी हों सारी। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि इस साल सब तरफ से अच्छी अच्छी ही खबरें सुनने को मिले। पाजी मैं श्वेता जी को छोड़ के आता हूँ, देखता हूँ क्या पार्टी के उन्होंने इंतजाम किया। आइए श्वेता जी, जोरदार तालियां एक बार। कैसे हैं आप? वेलकम। देखते ही देखते साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला ना। हाँ। अभी तो पिछले साल का हैंगओवर भी ठीक से नहीं उतरा था, फुटुक से नया साल आ गया। नया साल आ रहा है तो जाहिर सी बात है शांतिमन सोसाइटी में भी जश्न होना चाहिए, इसीलिए पुष्पा नानी ने आज मीटिंग रखी है। कम ऑन, मीटिंग के लिए। टन 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 टन। 20 साल हो गए मुझे स्कूल छोड़े हुए और छुट्टी आज हुई है, बताओ है? निकाले हुए बोल, और तुझे तो धक्के देकर निकाला होगा। पता है मुझे क्यों निकाला था? क्यों? क्योंकि मैंने 7 साल की उम्र में ना 15 साल की उम्र वाली गाली दे दी थी। वो गाली मुझे अभी भी याद है, 2 ऑडिशन भी हो गई है। सुना दो तुमको, मैं सुना दो। तू लेडीज को गाली देगा? लेडीज पर नहीं, जब तू लेडीज की ड्रेस चेंज करके जेंट्स बनेगी ना, मैं तब गाली दूंगा तेरे को। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मोदी जी पाए लागू। अच्छा मोदी जी, मैंने सुना है कि आपकी रैली में 7 लाख लोग इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ जी, अगर उनकी चाय का जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे दे दें। हाँ जी, मैंने चाय उनको बहुत अच्छी पिलानी है कि उनका दिल खुश हो जाना है। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। मुबारक हो भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब तो लखपति थप्पड़पति बन जाओगे। क्यों? तुम्हारी गंदी चाय पी के 7 लाख लोग तुम्हें थप्पड़ मारेंगे ना एक साथ। तो फिर तो तुम बनोगे। आपके पास 20 रुपये हैं? मेरे पे नहीं। देखो फोटो पे माला चढ़ाने के पैसे आपके पास है नहीं, जवान लड़कों के साथ पंगा ले रहे हैं आप। जवान लड़के? तो मेरे पास 10 रुपये हैं। हाँ जवान लड़के के पास 10 रुपये हैं। तो अपनी फोटो की चलो माला मैं चढ़ा दूंगा, समझ आई तुमको? एक ना एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन के मैं मानो तो मैंने इंजेक्शन इधर लगाया नहीं, ऊपर तुम्हारी नेक्स्ट मीटिंग चुड़ैलों के साथ तय हो जाएगी। तो पहले कौन सा मैं नॉर्मल लोगों के बीच में रह रहा हूँ, आप खुद बताइए, ऐसे इंसान होते हैं? ऐसे बाल कौन रखता है? आपको पता है ये हेयर कट कैसे लेते हैं? ऐसे बाल अपने पकड़ते हैं, देखते हैं मुंह तक आगे। चलो जी। मुझसे ज्यादा बहस नहीं करनी, मेरा पता है ना तेरे को? मेरा क्या पता है? क्या पता है आपका? 4 बेटा 208 है, मेरा पता नहीं पता तेरे को यहाँ पे करके। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब, बेड नंबर 3 का पेशेंट हमें छोड़ के चला गया है। हे भगवान, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। उसने तो अभी कुछ देखा भी नहीं था। बहुत बुरा हुआ। आप इतना हक्का बक्का भौचक का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? हमें छोड़ के ऊपर नहीं गया है वो, वो हमारा हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया है। पर अपने साथ पता नहीं कैंची, ग्लूकोज और थर्मामीटर सब लेकर भाग गया। हे भगवान, वो तो बहुत कुछ देख के चला गया। अब तुम उसको देखना। नानी, उसके बारे में कुछ तो बुरा बोल। हे भगवान, उसे तेरे जैसा डॉक्टर मिले। अजीब शक्ल वाले आदमी ने भिखारी का कटोरा छीना, भिखारियों की यूनियन ने पकड़ के कुत्ते की तरफ पीटा। अजीब सी शक्ल वाले जानवर की शक्ल किसी डॉक्टर से मिलती पाई गई। उल्टी बात करने वाले पेशेंट की नाक में उंगली घुस चढ़ के डॉक्टर ने उसको जमीन पे पलटा। वाह वाह वाह, क्या खबरें पड़ी जा रही है। गुस्से में किसी की खबर ना खो तू। मैं मजाक बहुत हो गया, सीरियस बातें करें। नहीं नहीं, क्राइम पेट्रोल आने में भी टाइम है, हमारा शो 1 घंटा और चलेगा। बात नहीं करनी। आप लोगों को पता है मैंने सोसाइटी की मीटिंग क्यों बुलाई है? सोसाइटी के कुछ अहम मुद्दे हैं जिसका हमें आज फैसला लेना है। अरे दादी, कैसी बातें कर रही हो? सबसे सीनियर तुम हो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर थोड़ी होगा। भाई सुनिए गाइस, मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे शाहरुख खान का चेकअप करना है। मीटिंग है मेरी। टिंग टोंग, ये देखो मोदी साहब का मैसेज आ गया है। मीटिंग कर लो। हाँ, आई एम सॉरी, मैं भी थोड़ी सी बिजी हूँ। मुझे डॉक्टर नेने के साथ मीटिंग है कि माधुरी दीक्षित को मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी भी सोनी टीवी में मीटिंग है आज। क्या मीटिंग है भाई? अभी थोड़े दिन पहले लोगो चेंज किया था ना सोनी का। हाँ, अभी कुछ लोग चेंज करने हैं मुझे। अरे मुझे अभी मैसेज आया है, शाहरुख खान इज फीलिंग बेटर। मोंटी जी का मैसेज आया था, मैं मोदी जी का समझ रहा था। और देखिए, आप दोनों की वजह से फालतू में मुझे नेने के देने पड़ जाते हैं। मुझे तो कोई काम ही नहीं है। आई एम फ्री। ओह सॉरी नानी, आने में लेट होगी। चलो लेट्स स्टार्ट सोसाइटी मीटिंग। चलो चलो चलो, मीटिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल yes. हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तेरे थप्पड़ मारना सोसाइटी के लिए कुछ किया तो। ये सोसाइटी मेरी माँ है, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जान भी दे सकता हूँ? बनियान तो आपने मेरी वापस नहीं की अभी तक। यही आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से 2016 खत्म हो रहा है, वरना 1.5 महीने और चल सकता था अभी। बस बहुत हो गया, सोसाइटी की मीटिंग शुरू करने के लिए फटाफट तशरीफ रखो, वरना सबकी तशरीफ पर मैं कुछ ना कुछ रखूंगी। चलो 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 चलो। ये हुई ना बात, जो मेन बात थी। हाँ बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सीनियर लोग खड़े हैं और तुम बैठे हो। और देश के सीनियर खड़े हैं तो देश के जूनियर बैठे हैं ना। ठीक है, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। चलो ओके। जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे कुर्सी कुर्सी पर लिखा है बैठने वाले का नाम। ये म्यूजिक। चलो शर्मा जी, थोड़ा देख के, पूरा देख के। लेट्स बी हम्बल। चलो अपनी अपनी तशरीफ निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, चलो बैठ जाओ। ओके तशरीफें कहाँ रख लिया आपने? हवा में। ओके मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं, ऐसे कैसे मीटिंग शुरू करते हैं? मीटिंग शुरू करने के लिए चेयरमैन होना चाहिए ना। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? चेयरमैन चेयरमैन जिस मैन के पास चेयर होता है वो चेयरमैन होता है। कम ओहो, देखिए ना, आज मुझे अपने केमिस्ट्री टीचर की कितनी याद आ गई। क्यों, वो मेरे कप्पू जैसा लगता था? नहीं, वो भी जो कुछ कहता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। हाँ, आप लोग सब लड़ो मत, मैं चेयरमैन बन जाऊंगी। अच्छा, कान खोल के सुन लो, इस सोसाइटी में सबसे पुरानी मैं हूँ। अनडाउटेडली। अरे यार, पुराने नोट बंद हो गए, तुम क्या खुल रही हो? जाके बैंक में जमा हो। हाथा भाई नहीं, हाथा भाई नहीं।
मैं ऐसे गिर गया बिना मारे, ठीक है? यार क्यों आप लोग ऐसे चिल्ला रहे हो, मेरी बात सुनो। आप सब में से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो इस सोसाइटी का जो चेयरमैन है आप मुझे बनाना चाहिए। वेरी गुड, इसी बात पे रिस्पॉन्सिबल के स्पेलिंग हो जाए। शाबाश शाबाश, चल चंदू बोल दे। 10-15 मिनट और सोच लेते हैं। चैनल एक एक मिनट का हिसाब लेता है मेरे साथ। 10-15 मिनट में थप्पड़ मारो तेरे। जल्दी जल्दी स्पेलिंग बताओ, क्या है रिस्पॉन्सिबल के? रार आको एक ही मात्रा पॉसिबल। किस तरीके से तूने स्पेलिंग बताया ना, तू चेयरमैन नहीं, चल मुर्गा बन जा तेरा आगे। आम मुर्गे की स्पेलिंग सुनाओ। TASTY। ये तो टेस्टी हुआ। तो टेस्टी होता है, तूने खाया कभी? वैसे खाता तो मैं भी नहीं, मेरे दोस्त ने बताया था। हमें मुर्गा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वैसे शाही आलू खा लेते हैं। शाही आलू कौन सा होता है? तेरे आलू के साथ 4 सिपाही तलवारें लेके आते हैं शाही आलू। अरे शाही आलू मतलब क्या? शाही पनीर तो मैंने सुना हुआ है। हाँ वो भी इन्होंने सिर्फ सुना ही है, खाया इन्होंने भी कभी नहीं है। मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दा ये है कि चंदू टी स्टॉल को सोसाइटी से निकाल दिया जाए। ऐसे कैसे निकाल दिया जाए? मेरे पास एक आइडिया है। क्या उपाय है? स्पेलिंग पूछ लेने। मेरी चाय के टपरी से के सामने जो आपकी सोसाइटी है इसको हटाया जाए। वाह। देखो भाई चंदू, व्हाटएवर इट इज, हम और CM यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से अपनी चाय की दुकान हटा लो। CM? चेयरमैन। और तो पहले PM साहब से तो पूछ लो। प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, मेरे डैडी प्यारे मोहन। पैसे उन्हीं के लगे हैं ना। इसे क्या है चंदू, यहाँ से वहां तक ना आने में मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है, तो मेरे इन हाथों के बीच में अपना चेहरा जरा ले आओगे? आई वॉन्ट टू हिट यू डबल साइडेड थप्पड़। देखो हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से तो कप्पू के नाना भटके थे जो ऐसी मुद्दी से शादी की। मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता? कुछ नहीं होता, इससे बुरा तो कुछ नहीं होता। ये जो सबसे उधर खड़ा ना, सबसे बुरा यही होता है। बस 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 बहुत हो गया। मेरा मुद्दा सुन लो, मेरा मुद्दा ये है कि कप्पू की शादी हो और मुझे पोता चाहिए। तो इससे पूछो फिर। हेलो, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहां है? नहीं मिलती मतलब क्या? मुझे देख, तेरे नाना को मैं नहीं मिली थी क्या? नानी हर किसी किस्मत ऐसी थोड़ी ना होती है जैसे तेरे जैसे 2-in-1 जीवन साथी मिले। मेरे नानो कहती 6 महीने मैं आपकी पत्नी, 6 महीने आप मेरी पत्नी। देखिए देखिए रुक जाइए रुक जाइए। देखिए यहाँ पे सोसाइटी की मीटिंग करनी है हमें, यहाँ पर वही बातें होंगी जो सोसाइटी के भले के लिए हों। सो सोसाइटी में से बम्पर को निकाल देना चाहिए। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि अपने टीवी सेट आप अभी के अभी बंद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो अब दृश्य आने वाला है वो देखकर आप विचलित हो जाएंगे। ये विचलित क्या होता है? ये वैसे होता है जब मेरे दोनों मुक्के दोनों तरफ से आपके चेहरे की तरफ आएंगे और उसी के साथ साइमल्टेनियसली मैं आपके गले पे जोर से आपको काटूंगी। उसमें जो दृश्य बनता है ना, उसे देखकर जो लोग शॉक होते हैं ना, उसे कहते हैं विचलित। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप विचलित नहीं होंगे क्योंकि तब तक आप। आप लोग लड़ो मत, मेरी भी एक मुद्दा है। हाय हाय। मुझे चाहिए कि पूरा सोसाइटी में एक पर्दा लग जाए। क्यों? हमेशा ये सिद्धू जी मुझे सामने बैठकर घूरते रहते। नहीं ये एकदम झूठ कह रही है। यहाँ पर सोसाइटी में मोहल्ले में सबके सब मुझ पे ही लाइन मारते रहते हैं बस। ये बात गलत है, आज के बाद बम्पर ऊपर कोई लाइन नहीं मारेगा। मारना हथौड़े मारो उसके मुंह पे। मैं ये सोसाइटी छोड़कर जा रही हूँ। हाँ हम भी तुम्हारे साथ चलता है। खुद सोसाइटी के टुकड़े में पलता है और सिर्फ मेरे साथ चलता है। और राजमा 6 सिटी में बनता है। उसमें क्या है? तुम मेरी बात बताओ कि सोसाइटी में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब का पुतला सोसाइटी में लगना चाहिए। आइडिया बहुत अच्छा है। एक मिनट, पुतला तो मरने के बाद नहीं लगाते? आपको मारेंगे ना बम्पर, मुंह पे बैठ जा रहा। आजा रुकिए 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 रुकिए। देखिए ये लड़ाई लड़ाई माफ करो, सोसाइटी के मुद्दे साफ करो। देखिए आज न्यू ईयर है, कोई पार्टी शार्टी नहीं होने वाली है क्या? इसीलिए तो मीटिंग बुलाई थी मैंने। लो भाई बरसात 1 घंटा पहले हो गई, छाता अब खोल रहे हैं। वाह। इसीलिए देखो आप लोग लड़ो मत, मेरे पास एक आइडिया है। एक बहुत बड़ा सेठ है, उसको बॉलीवुड पार्टी करानी है। हम लोग उसको आर्टिस्ट मुहैया कराते हैं, पैसे आ जाएंगे। हेलो
कोऑर्डिनेटर। हाँ कोऑर्डिनेटर, हाँ हमें शाहरुख चाहिए था। हाँ नहीं नहीं, और पिछली बार जो आपने बच्चन साहब भेजे थे 4.5 फीट के भेज दिए आपने, 6 फीट के चाहिए कम से कम, 3-3 फीट के दो मैं क्या करूँगा पागल का बच्चा। एक जीने तो मैन कहो जी। ठीक है ठीक है, ओके फटाफट तैयार हो जाओ। ओके आ जाओ बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मांडा जी आप तो कहे थे कि पार्टी में स्टार लोग आएंगे, लेकिन यहाँ आके तो हमका कोई हीरो हीरोइन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओहो बेबी, जब जेब में हो पैसा और जिगर में हो दम तो सब लोग आ जाएंगे, बादशाह हो या सिंघम। हेलो गुड लुकिंग लेडी, हाउ आर यू? ठीक बा, हमारा नाम खुशी है, तो कहा हमसे मिलके खुशी हुई। ये हॉलीवुड की फिल्म भोजपुरी में डब होके क्यों चल रही है भाई? वो क्या है, हमारे मिनिस्टर साहब की बेटी है। अच्छा, कभी कॉलेज में नहीं गई लेकिन सब डिग्री उसके पास है। आर यू मिस्टर शर्मा? जी 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 जी, आई एम मिस्टर शर्मा। आपकी तारीफ तो कोई करता नहीं होगा वैसे, आपका नाम बता दो। ओए, आपको हमारा नाम मालूम नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा, आप क्या खेलते हैं? जुआ खेलते हैं। बाय द वे, हम आई एम वही जिससे आपके फोन पे बात हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, 200 करोड़ रुपए की पार्टी, बॉलीवुड की पार्टी। हाँ, बॉलीवुड की पार्टी इधर है। लेकिन हांडा जी, कहाँ है हीरो हीरोइन बा, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे आपने बोला, और ये देखो शाहरुख का फोन आ गया। हेलो हेलो, आ गया फोन, अब मत बजाओ। हेलो, हाँ 500 प्लेट बूंदी रहता, 50 किलो बिरयानी, हाँ 50 दर्जन रसमलाई, ये सारा कैंसिल करके दुकान बंद करके फटाफट निकलो। एक्सक्यूज मी, आप शाहरुख खान से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? फोन शाहरुख खान का है, गिफ्ट दिया उन्होंने, कॉल तो केटरिंग वाले का था। मैं उसको खाना मना कर रहा था। क्या खाना मना कर दिया? तो हम पार्टी में खाएंगे कौन? अरे आपको यहाँ पे खाना मिलेगा ना, 400 रुपया पर राइस का दाना। 400 रुपया? 400 रुपये में तो हमारे यहाँ बोरी आती है पूरी राइस की। बोरी जैसा आदमी बोरी की बात करेगा, देखा? देखो, अरे एक बात बताइए मुझे, आप ऐसे खुले हम घूम कैसे रहे हैं? क्यों क्या हुआ? 8 नवंबर को ऐसे आदमी बंद नहीं हो गए थे? बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, ये कौन है? अरे गाना बजा के हिंट दिया ना अभी, शाहरुख शेट्टी, शेट्टी शेट्टी, शाहरुख शेट्टी, शाहरुख शेट्टी। ये नाम क्या हुआ? अरे इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया ना। अरे डिसाइड करके आया करो कौन सा वाला कर रहे हो, बीच में गाना शाहरुख का बजा रहे हो। सुंदरा सुंदरा, लगता है तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। नहीं पहचाना। एक सेकेंड, अभी नहीं। इंस्पेक्टर, मुझे अभी भी डाउट हो रहा है। अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। अरे हाँ, ये तो सुनील शेट्टी है। जी जी जी। Hey! अंजलि कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के, चला गले लग। पिछड़ जरा पास नहीं आना, दूर रहो दूर रहो। मैं इससे दूर हो जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम इसको मुझसे दूर कर दो ये मैं हारने नहीं दूंगा। ये तो बिल्कुल नहीं है, आपके साथ एक सेल्फी हो जाए। श्योर 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 बेबी जरूर, लेकिन पहले मुझे कपिल के साथ सेल्फी लेनी है। एक सेकेंड, मैं तो इधर ही हूँ सर, उनके साथ सेल्फी ले लीजिए पहले। लेकिन पिछली बार भी तुम ऐसा कोई बाद में निकल जाते हो यार, मिलते नहीं हो, ऐसे करवा लो एक। डुप्लीकेट का यही प्रॉब्लम है, कितनी बार का ऐसी बातें कर रहे हो तुम, स्टार स्टार बनकर। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ याद आ गया, आई एम अ सुपरस्टार, ये धरती मेरी माँ। हाँ धरती माँ है, आसमान इसका बाप है, पहाड़ इसके चाचा हैं, दीवारें इसकी बहनें हैं। अच्छा अच्छा, और गेट इनका आउट है। ओके ओके, सॉरी सॉरी गाय, अंजलि मेरा वेट कर रही है, दोबारा अक्षय ना ले जाए, दोबारा आता हूँ। बाय 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 बाय, लव यू, बाय बाय बाय। ये इनकी आवाज है ना, आवाज ये बिल्कुल सुनील शेट्टी जैसी लगती है जी जी, लेकिन शक्ल एकदम डुप्लीकेट है। क्या बात कर रहे हैं साहब, सर्दी इतनी, लोग नाक पूछ पूछ के मुंह खराब हो जाता है। तो आपका अपना देख लो। ये सब छोड़ो, मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलाता हूँ सुपरस्टार। अच्छा बच्चन साहब,
तुम मुझे वहां ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वाह वाह, क्या डायलॉग बोला बच्चन साहब ने। मैं तुम लोगों को वहां ढूंढ रहा और तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो। आए। अरे वाह, दुई दुई अमिताभ बच्चन। अरे बेबी, बेबी एक मिनट रुकिए। अरे दो दो अमिताभ बच्चन कैसे आ गए? जितना शौक आपको लगा मुझे भी उतना लगा। दो मिनट रुको सही यार। एक्चुअली हमने जानबूझ के दो मंगवाए। अच्छा, वो क्या होता है कि एक आध फुस हो जाए तो काम नहीं रुके। अरे अमिताभ बच्चन है या शादी का जनरेटर है? एक खुश हो जाए तो दूसरा शुरू हो जाएगा। ये मोटे वाले अमिताभ बच्चन इतने छोटे कैसे हो गए? अरे वाह 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 वाह, भाई साहब आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है और ये आपको बड़े अमिताभ बच्चन लग रहे हैं। एक मिनट, ये मोटा छोटा छोड़िए, सही कह रहे हैं, ये दुई दुई अमिताभ बच्चन कैसे आ गए? तो वही तो डबल रोल है इनका पार्टी में। आपने फिल्म नहीं देखी आपने? अरे कितनी फिल्में आई हैं, आखिरी रास्ता आई है, लाल बादशाह आई है, सूर्यवंशम में आप देख लो। अभी आप जाओगे घर, सेट मैक्स लगा के देखना आ रही होगी, और अगर नहीं भी आ रही होगी दो तीन मिनट वेट करना, आ जाएगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तो ठीक है लेकिन ये बच्चन साहब ऐसे मोटे कैसे हो गए? अब मैं तेरे बाप का खाता हूँ क्या, बार बार मोटा 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 लगा कर रखा है। अरे समझे नहीं, ये दंगल वाले अमिताभ बच्चन है। लेकिन दंगल में अमिताभ बच्चन है का? नहीं है ना? नहीं है, तभी तो इधर घूम रहे हैं। आए, 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 तुमने मेरी वो दीवार तो देखी होगी। अरे भाई साहब आप मुझे बताइए, ये कहीं से अमिताभ बच्चन लग रहे हैं? मैंने तुझे कहा था कि पप्पी लहरी बन जा, लेकर पकड़ा गया तो, लेकिन तुम्हें शौक है तो ठीक है भाई। अरे ये पप्पी लहरी के मैं गाने तो गा सकता हूँ लेकिन उसकी आवाज नहीं निकाल सकता, फिर ये मोटा मुझे पकड़ लेता तो। आए। अरे वो तो हमने पहले से ही पकड़ लिया था, ये नकली है। देखिए नकली नुकली दुनिया में कुछ नहीं होता, असली है। एक आध डिफेक्ट निकल आता है वो मैं आपकी बात मानता हूँ। आप पटाखे लेने जाते दिवाली पर, सारे दिन ना फूटते, एक आध करके हो जाता है। हाँ हाँ हम देखी है, और कभी कभी पास जाते ना फट करके फट जाता है। हाँ बस वही चीज है। देखो ना अमित जी, क्या जमाना आ गया, आजकल कोई भी कुछ भी बन रहा है। ये कहाँ से अमिताभ बच्चन लग रहे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए आजकल लोगों में ईमानदार बचा ही नहीं, आपके हिसाब से और क्या बन सकते थे बताइए? तो मुर्गा बनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमिताभ बच्चन साहब बनने की? बहुत हुआ बहुत हुआ, ठीक है, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना कि हम अमिताभ बच्चन है, तो छोड़ो ना, खत्म हो गया बात, नहीं बनना है अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन एटीट्यूड से होता है, ये मोटा छोटा नहीं होता अमिताभ, जाते हम छोड़ा बनना ही नहीं है यार, हटा। आपने अभी सुनी कैरेक्टर समाप्ति की घोषणा। आपको इन पे तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं, ये अमित जी कर तो ठीक रहे हैं, लेकिन ये अमित जी इतने यंग कैसे हो गए? ये तुमको प्रॉब्लम क्या है भाई, यंग कैसे हो गए, मोटा कैसे हो गया है? तुमको कोई शक्ल है कि नहीं है? इधर सुनो, मैं शेलाज खेलता हूँ, इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, उधर ऊपर देखो, पीछे देखो, एक जगह खड़े होके देखो यार, तुम घूम क्यों रहे हो? अरे आप घूम रहे हो तो मुझे ही पूछ रहे हो क्यों घूम रहे हो? पीछे देखो, पीछे भी आपके घूमे बिबिला घूमे, कैसे पीछे देखूंगा? देख तो पड़ेगा, दर्द में दर्द हुआ। हाँ तो लगा ये नीलामी रिलीफ, दर्द मिला है चुटकी। अमित जी हम आपकी बहुत बड़ी फैन हैं। पता है आपकी पिंक ना हमने ब्लैक में देखी थी। तो ब्लैक आपने रेड में देखी होगी? अच्छा अब मेरी पर्पल भी आने वाली है थोड़े दिनों में। अच्छा इसका मतलब आपको कलर्स अच्छे लगते हैं? नहीं सोनी अच्छे लगते। अरे बच्चन साहब आए और आपका फालतू की बातें कर रहे हैं, चलिए मैं आपको एंटरटेन करता हूँ, पार्टी शुरू करते हैं। मीत ब्रदर्स आए हैं, चलिए चलिए वहां पे जाके एंजॉय करिए, फटाफट आइए आइए आइए, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मीत ब्रदर्स का। एक बार मीत ब्रदर्स और खुशबू के लिए जोरदार तालियां, बड़ी सुपर परफॉर्मेंस। मीत ब्रदर्स को मैं सालों से जानता हूँ, खुशबू को भी मैं बहुत समय से जानता हूँ, पर ये नहीं पता था कि आप भी गाती हैं और इतना अच्छा गाती हैं। सर आपसे सीख लिया? मेरे से कब सीख लिया? बस ये जो आपकी अदाएं थी ना, मतलब मजा आ गया, क्या बात है। पर ये आपको पता है मीत ब्रदर्स ग्वालियर से हैं और ग्वालियर से हमारे संगीत सम्राट तानसेन साहब भी थे। हाँ। ऐसा सुना है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि वहां पे एक इमली का पेड़ है, उसके जो पत्ते खा लेता है तो वो सिंगर बन जाता है। पाजी आप संगीत घराने से हो क्या, इमली खा के इंडस्ट्री में आ गए? मैं तो इमली वैसे ही खा ली थी टाइम पास के लिए, तब पता भी नहीं था कि यहाँ जाएंगे, शायद वो इमली ले आई हमको यहाँ। पर जो भी है, जो भी वजह है सर, कमाल है कमाल है कमाल है भाई, कमाल
आज हम जो भी हैं वो ग्वालियर में हम लोगों ने सीखा है और उस बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ग्वालियर घराने को. अच्छा वाह. हाँ, और उसकी इमली को भी. दोनों मिक्स है, दोनों की बूटी मिक्स है. एक ऐसी बात है जो सामने कभी शेयर नहीं करी. आज ये परफेक्ट जगह है बात शेयर करने के लिए. सबको पता भी नहीं होगा कि 6 साल पहले तक हमको पता भी नहीं था कि हम गाने बना सकते हैं. वी वर सिंगर्स और हम दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जाते थे हमारे गाने बना दो. सो एक हमने एक रेडियो स्टेशन लगाया था ग्वालियर में. तो जब वो रेडियो स्टेशन हमने लगाया तो वहाँ प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई मिला नहीं. तो खुद ही करनी पड़ी. तो वहाँ हमें पता चला कि हम म्यूजिक बना सकते हैं. सो 6 साल पहले तक तो हमें यही नहीं पता था कि हम म्यूजिक बना सकते हैं. सो इट जस्ट केम टू अस लास्ट 6 ईयर्स. ऊपर वाला मेहरबान है सर. बिल्कुल क्या. और आपका काम भी बहुत अच्छा भाजी. और जितने भी गाने बनाए पाजी ये भी हिट मशीन है. मतलब लगातार बैक टू बैक हिट गाने दे रहे हैं. एक्चुअली हमारी जो इंस्पिरेशन थी सिंगिंग की लोग कहते हैं रफीदा किशोरदा. मैंने टीवी पे एक बहुत ही गंदे सिंगर को गाते हुए देखा था. बिल्कुल सुर से बाहर था. तो मैंने कहा अगर ये गा सकता है तो मैं भी गा सकता हूँ. मेरी इंस्पिरेशन वहाँ से आई. नहीं बट फैक्ट ये पाजी के हमें आज भी हम सब हमारे दोस्त फैंस सब बोलते हैं जब हम बाहर जाते हैं शोज करने तो कि वो गानों को हम देखते हैं कि कैसे एंजॉय कर रहे हैं. कैसे बेबी डॉल हो या चिट्टियाँ या हाई हील्स तो लोग कैसे पागल हैं गानों के पीछे. पर आज भी हमको जब कपिल शर्मा के शो से कॉल आता है या कहीं कोई भी ऐसे बड़े शो से कॉल आता है तो अभी भी लगता है कि क्या वाकई हम इसके लायक हैं कि हमें बुलाया जा रहा है. सो स्वीट. नो रियली. पर आप बहुत डिजर्व करते हो सर. जैसे आपने एक बुरे सिंगर को देखा था ना. मैंने भी एक ऐसे बुरे सिंगर को देखा तो मैं भी सिंगर बनने निकला था. बाद में मैंने बहुत अच्छे सिंगर को देख लिया. फिर मैं कल्टी मार गया. फिर मैंने एक बड़े ही गंदे कॉमेडियन को देखा. तो बड़ी गंदी कॉमेडी कर रहा था. फिर मैंने कहा अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ. पर पाजी जो डेस्टिनी आपके लिए प्लान करती है उससे ऊपर वाले की प्लानिंग से बढ़िया कोई प्लानिंग नहीं होती. सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ था दुनिया को खुशी बांटने के लिए. वो क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ था. और जब मैं कपिल को देखता हूँ ना मुझे लगता है ये भी पैदा हुआ है दुनिया में खुशी बांटने. थैंक यू भाजी. रियली. और ये मैं दिल से कह रहा हूं. अरसा बीत गया मुझे किसी ने इतने लंबे अरसे तक नाम बना के रखा हो और उसे बरकरार रखा हो और नई ऊंचाइयों पे जा रहा हो. कपिल फॉर प्रेसिडेंट. ठोको ताली. भाजी क्या बात है. उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनको हम बहुत पहले से जानते हैं. ये तब भी वैसे ही थे आज भी वैसे ही है. दैट्स द रीजन. देखो नहीं नहीं सर आज बेटर है. 1 करोड़ रुपए की बात की है. देखो वैसा नहीं सर आज पहले से भी और ज्यादा स्वीट और हम्बल है. हाँ, देखो पेड़ पे जब फल लगता है उतना ही झुक जाता है. और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है. अकड़ना तो मुर्दों की पहचान. बात खत्म. तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई आज. हाँ. और स्पेशली मेरी तारीफ सिद्धू भाई ने बहुत की. थैंक यू सो मच पाजी. तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सिद्धू पाजी बीच में जाके कपड़े चेंज कर आए थे क्योंकि ये ग्रैंड एपिसोड है. हमने ये 2 दिन में शूट किया है. हाँ. तो आप कंफ्यूज ना होना. सो पाजी कपड़े चेंज कर रहे हैं पर ये बातें कट नहीं सकती. हाँ. तो क्या बात है. देखो, तो ये देखो, सोनी की एडिट टीम को मेरी रिक्वेस्ट है मेरी तारीफ में कही गई एक भी लाइन ना काटी जाए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप तो एक्टिंग में थी. मैंने मतलब कब शुरू कर दिया आपने. हमारा मुंह इधर था आपने पीछे गाना शुरू कर दिया. मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने गाना कब शुरू कर दिया. और उसके लिए मीत ब्रदर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. मैं इनके साथ शोज होस्ट करती थी और 1-2 गानों के लिए उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और गाने के लिए कहा. अच्छा। और बस वहां से जो गाने का दौर शुरू हुआ इन्होंने बोला भाई तुम स्टेज पर हमारे साथ ही रहो. और अब पिछले 2 साल से मैं सिर्फ सिंगिंग करती हूँ. क्या बात है. मीत ब्रदर्स आपको लोग बुलाते हैं. आप दोनों काम भी साथ में करते हैं. तो दोनों भाई हैं सगे भाई हैं. तो पेमेंट का चेक किस नाम से आता है. आप बोलो तो आपके नाम पे मांगते हैं. अजी आपका एटीएम कार्ड तो अलग अलग है कि एक ही है. अजी एक ही है. एक ही है. एक ही है. तो आपका तो बड़ा नुकसान हुआ. 2500 से ज्यादा निकला नहीं होगा. अजी आप दोनों भाई हैं. पसंद भी आपकी तकरीबन एक होती है. बिकॉज एक कंपोजिशन आते हैं दोनों की पसंद मिलना जरूरी है. कभी ऐसा हुआ एक ही लड़की पसंद आ गई हो आपको. नहीं ऐसा. हमारी एक मेरी फ्रेंड थी. अच्छा. और एक इसकी फ्रेंड थी. अच्छा. बाद में पता लगा वो एक ही लड़की थी. इसमें हमारा कोई रोल नहीं था. हमारा कोई रोल नहीं था. वो हमें बेवकूफ बना के हमें बाद में बहुत बाद में पता चला. पर वो भी अपनी जगह सही थी. जाके बताती तो यही होगी ना. मैं मीत ब्रदर्स के साथ गई थी. मीत ब्रदर्स खुशबू आप हमारे शो में आए. 4 चांद लगा दिए आपने अपनी परफॉर्मेंस से. थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए. और नए साल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. आप ऐसे ही सुपर हिट सॉन्ग्स बनाते रहें और छाते रहें. आपकी तरह छाते रहें. एंड
2017 की एक विश है हमारे कपिल जी के लिए और सिद्धू जी के लिए और इस शो के लिए कि दुनिया में हंसी और मुस्कुराहट की बहुत ज़रूरत है और आजकल के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है और सब कुछ है, भगवान करे कि आप ऐसे ही हंसियाँ फैलाते रहें, खुशियाँ फैलाते रहें ताकि सब लोग अपना स्ट्रेस भूलकर सिर्फ हंसे खुशे गाएं और हमारे सॉन्ग्स पे डांस करें और सब कुछ भूल जाएं और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए बाजी, लव यू बाजे, मीठू। एक बार जोरदार तालियां मीत ब्रदर्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। अरे एक्सक्यूज मी, बच्चन साहब यहाँ पे हैं और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। अरे बच्चन साहब तो घर के आदमी हैं और बच्चन साहब घर परिवार पे सब ठीक है ना? बहुत बहुत बढ़िया, जो तीसरा बेटा है वो ऋतिक रोशन बन जाता है। एक मिनट, तीसरा बेटा कब हो गया फिल्म में? इनका तीसरा बेटा जो है वो ऋतिक रोशन बना। एक तो सवाल बड़े पूछते हैं तो इतनी जल्दी जवाब नहीं आते ना, थोड़ा आराम से पूछा करें आप। ठीक है, नहीं मैं तो ये पूछ रहा था कि बच्चन साहब आ गए, पहले तो सुनील शेट्टी आके गए, लेकिन हमारे पटना वाले शत्रु साहब क्यों नहीं आए? शत्रु साहब आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे, उनको लेने जाना पड़ेगा, मैं अभी लेके आता हूँ उनको। ठीक है, अभी तो रुकिएगा आप। हाय हाय, दिस इज अक्षय, हाय, नमस्कार। आपको तो किसी ने बुलाया नहीं और आप आ गए यहाँ पे। जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहां तो मैं जाता हूँ, लेकिन जहां मुझे नहीं बुलाया जाता वहां मैं डेफिनेटली जाता हूँ। तो ये ऐसा है, मुझे तो ये लकड़ी लग रहा है। अपना करो, आप अपना ठीक कर रहे हो ना, मैं मेरा ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, और जल्दी पार्टी शुरू करो यार, मुझे 9:30 बजे सोना होता है। 9:30? अरे 9:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। अब तो मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं क्या करूं? मैं यही सो जाता हूँ, मैं कहाँ सो जाऊँ, मैं वहाँ सो जाता हूँ। मुझे पता था तुम लोग ऐसा कांड करोगे, इसलिए मैं अपना तकिया चादर साथ में लेके आया हूँ। ये रहा मेरा तकिया, ये रही मेरी चादर। चादर थोड़ी छोटी है ना। कोई भी बर्थडे पार्टी, ब्याह हो, शादी का प्रोग्राम हो, तुमको बुलाइएगा। हमारा इंडस्ट्री में कोई शत्रु नहीं है, समित्र है, कोई शत्रु है ही नहीं। आम आश। कौन कहता है कि इंडस्ट्री में शत्रु नहीं है? खामोश। जो झुक झुक के चले, जो रुक रुक के चले उसे हवा कहते हैं, जो छुक छुक करके चले उसको ट्रेन कहते हैं, और जो टुक 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 करके चले उसे घड़ी कहते हैं। खामोश, उसे घोड़ा कहते हैं, जबरकच्चू। ये अलग दबड़ का तो मूंगफली का वो भी खा। आउट हो गया आप, कैश पकड़ लिया था। एक मिनट, शत्रु जी आप यहाँ आए हैं लेकिन कपिल शर्मा जी कहाँ गए? वो मेरे घर में डुप्लीकेट बन के बैठा कोई मेहमान आ जाए तो प्रणाम करने के लिए। अरे लेकिन यहाँ आप भी तो मूंछ निकाल कर कपिल शर्मा बन के रह सकते हैं। तो आप भी अगर अपना मुंह निकाल दे आप अच्छे बन सकते हैं। टारगेट फोल्ड कर ले तो बच्चे बन सकते हैं। बच्चन साहब, आप शायद भूल रहे हैं, आपको धर्म महेंद्र जी को लेने जाना है। मैं धर्म जी को लेकर आता हूँ। देवियों सजनों, कुछ देर में धर्म जी को लेकर हाजिर होता हूँ। जोरदार तालियां। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली। खामोश। क्या खामोश? हाँ तो जा रहा हूँ, चिल्ला रही हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुपर डांसर्स के सुपरस्टार मासूम और पाल्टन का। आइए। जोरदार तालियां मासूम और पाल्टन के लिए। मुझे दो ही चीजें अच्छी लगती हैं, एक बच्चे और दूसरे बच्चन साहब। पाजी पाजी, बच्चे हैं कि नहीं है कमाल के? अरे बच्चे मन के सच्चे, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आज देखी जी, नाम मासूम है लेकिन कारनामे जो हैं वो अजूबे वाले। सच मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी बेटा। हाय सबको। और मैं अभी मेरा चैलेंज देना चाहती हूँ सबको, मतलब सिद्धू पाजी और कपिल जी। कपिल सर या सर बोलू या भैया? कपिल भैया बेटा, आई एम नॉट मैरिड। आप दोनों को मैं एक चैलेंज देना चाहती हूँ। हाँ। वो है मासूम वेव, अभी करके दिखाओ।
मेरी मम्मी आई, मैं मिलके आया। बेटा बेटे हमें मारने आई हो? बेटा ये हमसे नहीं हो सकता, ये तो बाद में करेगा, मैं जरूर करूंगा। ठीक है, मैं करूंगा अपने सपनों में। बेटे आप इतनी छोटी उम्र में इतने पॉपुलर हो गए हो, अच्छे पैसे भी कमाने लगे हो, अब कमाई किसको दोगे, पापा के हाथ में कि मम्मी के हाथ में? मैं पैसा अकाउंट में भरूंगी। यार कपिल, छोटे बच्चे अकाउंट खुलवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खुलवा सकते हैं। और छोटे बच्चों के अकाउंट से पिता पैसे भी नहीं निकलवा सकता, ये भी पक्की बात है, जब तक वो 18 का नहीं हो जाता। एक बार गए तो गए पूरे उसके नाम के, क्या फायदा हुआ सर फिर? अच्छा एक बात ना कपिल, मुझे ना बड़ी खुशी देती है। देखो हम विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, बातें, लेकिन यहां होता हुआ दिख रहा है, ये लड़की इनके परिवार की पहचान है, बल्कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की पहचान बन सकती है। सानिया मिर्जा ऑलरेडी बाजी, ऑलरेडी बहुत सानिया नेहवाल की तरह, तो ये बात बहुत खुशी देती है यार। और आप भी, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, आपने बहुत, उसके बहुत, हुनर बहुत मेहनत की है, आपको भी क्रेडिट बहुत मिलना चाहिए। मासूम एक बात बताओ, हर बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनना चाहता है, आप तो अभी बहुत कुछ बन गए, तो अभी बड़े होना कि इतने रहना है? मुझे बड़े बनके एक कोरियोग्राफर बनना है, और मेरे जैसे जो भी बच्चे, मैं सुपर आंसर में फिनाले तक पहुंची, और मैं सब बच्चे को फिनाले तक पहुंचाऊंगी, और मेरे जैसे एक विनर बनाऊंगी। मैं विनर नहीं बनी, कोई बात नहीं, सब लोग विनर। आपने हमारा दिल जीता बेटा। हाँ। और क्या होता है, हम सब, मैंने सब ऑडियंस का दिल जीता है बस। हीरो कौन है तुम्हारा, हीरो जिसको तुम एडमायर करती हो सबसे ज्यादा, जो तुम बनना चाहती हो, कोई हीरो है तुम्हारा? बता दो बेटा मेरा नाम, बता दो। हो सकता है मैरी कॉम हो सकता है सानिया मिर्जा हो सकता है कोई बहुत विश्वविख्यात डांसर हो, कोई तो होगा। कौन अच्छा लगता है बेटा आपको? मुझे डांसर टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है, टाइगर श्रॉफ मेरे जैसे करते हैं। अच्छा नए साल पे, अभी आप 31st की इवनिंग है आज, थोड़ी देर बाद नया साल आने वाला है, आप अपने देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? आप खड़का दो मैसेज, क्या क्या बोलना चाहेंगे? अगर आज जैसे आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे हैं जो डांस करते हैं, शायद अच्छा टैलेंटेड हैं, या कोई सिंगर हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जुमो नाचो गाओ। मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जब नया साल आएगा तो बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को गिफ्ट देना और अच्छे से टाइम स्पेंड करना। बेटा मम्मी पापा को गिफ्ट आप दे सकते हो, आप कमा रहे हो ना, बाकी बच्चे थोड़ी ना, तो मम्मी पापा से ही लेंगे ना। अच्छा मैं शत्रुघ्न बना हुआ हूँ, आमोश, मैं इनके लिए शत्रुघ्न बना हुआ हूँ, बाकी जब ये वापस स्टेज पे आएंगे तो वापस मैं शत्रुघ्न हूँ, अभी मैं कपिल हूँ, घूर घूर के मत देखो मेरे को। पालदेन मासूम, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। जोरदार तालियां इनके लिए, आइए तालियां बजती रहनी चाहिए। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? हाँ हाँ मजा तो आ रहा है, लेकिन पार्टी में कोई और स्टार नहीं आया। हाँ, अभी आएगा। अरे आपको कहीं देगा है बाबा? अरे कहीं तुम वो तो नहीं जो मेरी वाइफ को माँ कहते हो? या वो तो नहीं जो मेरे भाई को बेटा कहते हो? आज मैं आपका रिश्ता क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इनके भाई को अपना बेटा कहते हैं जी, तो इनके बेटे के आप पक्के दादा लगते होंगे, बताइए लगते कि नहीं? कुछ नहीं होगी। चलिए अब इस रिलेशनशिप को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। ऐसे ऐसे धर्म जी, आप पार्टी में स्कर्ट पहन के कैसे आ गए? आपको तो सूट पहनना चाहिए था। ये मैंने सूट ही पहना है, वो सलवार और दुपट्टा लाना भूल गया मैं। बाबा मैंने आपने सर पे दुपट्टा बांध रखा है, अगर आप कहें तो निकाल के दे दूं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सनी इतने मोटे कैसे हो गए? जब से आया हूँ 50 बार मुझे मोटा कह चुका है ये। 50 बार कब बोला? पहली बार बोला है? नहीं नहीं, वो तभी अमिताभ बच्चन बन गया था ना तो मोटा कर दो। हशीश मैं बताता हूँ, एक्चुअली करीना के बेबी हुआ तो खुशी में ये फूले नहीं समाए और मोटे हो गए। अच्छा इनको खुशी हो गई? हाँ। और इनको खुशी नहीं हो? क्या बात कर रहा है, मेरे को भी खुशी हुई थी। तो? उस दिन घर पे लाइट चली गई, अंधेरा हो गया,
अंधेरे का क्या लेने देना खुशी से? ए, चबड़ गंजू, अगर अंधेरा हो जाएगा तो आदमी मोमबत्ती ढूंढने का के फूले समझेगा, बता। तो खुद बता। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ये तो ठीक है, धर्म जी की एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ये सनी इतने मोटे कैसे हो गए यार? मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूँ, प्लीज आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये आपको धर्म लग रहा है, लेकिन मैं आपको सनी नहीं लग रहा। क्यों? लेकिन क्यों? मैंने तुझे कहा था ना, गणेशाचार्य बन जा, पर नहीं, तेरे को तो सनी बनना है। अब ले स्वाद। मान गए आपकी पारखी नजर को, एक को तो पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। मुझे दो तीन ही एक्टर आते हैं, वो कर लिए मैंने। अब और कोई एक्टर करना है तो बताओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। हमको तो ओरिजिनल चाहिए, जाओ तुम। अब तो मैं ओरिजिनल मोटा हूँ, लेकिन मोटा जमता नहीं है ना तुमको। देख लूंगा तुझे। जो भी था बंदा था ईमानदार, लेकिन झट से मान गया। देखो उसको छोड़ो यार, हम लोग पार्टी शुरू करते हैं। चलो पार्टी शुरू करते हैं। पार्टी पार्टी पार्टी, ये ला पार्टी। ओए, ये क्या किया तुमने? मेरी स्कर्ट खराब कर दी। तुमको पता है किसने गिफ्ट दी थी? किसने दी थी? मैं पूछ रहा हूँ किसने दी थी। मैं जब सोया हुआ तो को पहना के चला गया। लगता है तुम्हें चढ़ गई है। ये लो थोड़ी और कोल्ड ड्रिंक पियो। नहीं, कोल्ड तो मेरे को पहले से बहुत है, मुझे सिर्फ ड्रिंक दे दे अगर दे सकते हो। मुझे तो कोई ड्रिंक करने के लिए अच्छा पार्टनर भी नहीं मिल रहा यार। कमाल करते तुम। माँ ने कहा शहर छोड़ दो। हाँ जी। बच्चों ने कहा स्कूल छोड़ दो। भैया ने कहा फैक्ट्री छोड़ दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऑटो चलाता हूँ जो सबको छोड़ता फिरूं। राम जाने जब से मैंने रईस का ट्रेलर देखा है ना, मैं राइस ही खाती जा रही हूँ। व्हाइट राइस, जीरा राइस, फ्राई राइस। अच्छा हो गया तू मेरी फैन नहीं है, वरना मेरा गांव मेरा देश खा जाती। क्या मारा। चलो मैं कहता हूँ पार्टी करते हैं, डांस शुरू करो यार। ठीक है, पहले मैं डांस कर देता हूँ, क्योंकि मेरा डांस वैसे भी ठंडा होता जा रहा है। जिस पार्टी में धर्म जी खड़े हो, उनके अलावा डांस कोई भी शुरू कर सकता, मैं करूंगा। करो जी। मैनू काला चश्मा जचता है, जचता है मेरे मुखड़े ते। जे डांस था तुम्हारी फ्रॉक में हाथ डाल के ऐसे ऐसे करूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कौन से डांस। ये क्या हो रहा है? मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ। इरशाद। चलो जी सुनिए। मुकद्दस मुकर्रम अहबाबो ना सहे ना रहे फहम। दुआ कर ही रहे तो हमारे लिए भी कर। दुआ नहीं कर रहा हूँ, मैं शेर सुना रहा हूँ। शेर सुना रहा। एक बार और सुनिए। मुकद्दस मुकर्रम ना सहे ना फहम जाती है, ये शेर उसी को समझ में आएगा जिसको उर्दू आती है। आमिर खान आए हैं हमारी पार्टी में। देखो मोटू लाल आइला, यहाँ तो शेर शायरी का मुकाबला चालू हो गया रे, और अपन को किसी ने बुलाया नहीं। हाँ, मारी शायरी शेरों से कम है के? कैसे बोल, कैसे बोल? किरण, किरण मत बोल, किरण मत बोल, ऑस्कर बोल, ऑस्कर बोल। क्यों? जब जब तू किरण बोला मेरे को किरण मिल गई, ऑस्कर बोलेगा ऑस्कर मिल जाएगी। ऑस्कर, 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 ऑस्कर। कितना दूर का सोचते हो तुम। अगर तुमने मेरी बेटी सोनाक्षी को लिया हो तब इंटरवल में ही मैच जीत जाती, गोल्ड ले आती। हंसने का क्या है, वो मेरी छोरी लगती नहीं है रे। मैं तेरी जगह लेने की बात कर रहा था। ओए, ये सब बकवास बंद करो। अरे हमने इतने पैसे खर्च किए, ये सब हीरो आ रहे, एक भी हीरोइन नहीं आई अब तक। एक बात बताओ मुझे, तूने एंजेलिना जॉली का डांस देखा है? नहीं देखा है। एंजेलिना जॉली का देखा है? देखा है। तो फिर शकीरा को बुलाते, शकीरा। Hi, I'm Shakira from California, USA, Andheri West, Mumbai 50. Hi. एक मिनट, ये ज्यादातर सारे हीरो हीरोइन उसी जगह से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ तैयार हो रहे हैं ना। हाँ, इनका कहने का मतलब, हट। इनका कहने का मतलब
एयरपोर्ट उस तरफ है। लेकिन ये शकीरा तो नकली लग रही है। एक्सक्यूज मी, देखो फालतू बातें बंद करो और चुपचाप डांस एंजॉय करते हैं। हाँ, ये डांस करेगी तो हम एंजॉय करेंगे। चलो भी बताया नहीं पैसे और बताया नहीं पेमेंट। ये क्या, ये तो पुराना नोट है, नकली। पुराने नोट वो भी नकली। तो तुम कौन से असली हो, हमने तो पहले ही पहचाना था। चलो पार्टी इज ओवर। चार बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। और मोटू क्या हाल है तेरा, अभी तक तू यही पे सोया नहीं? हाय स्वीडी, हाउ पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी नाच गाना होगा, अभी पार्टी ऑल नाइट करेंगे। अबे सब पकड़े गए, सब नकली है, तू भी नकली है, अभी तो नॉर्मल टोन में बात कर। मेरा नॉर्मल टोन भी यही है। अच्छा? मुझे किसी ने बताया नहीं, बच्चे की जान ले ली तुम लोगों ने। रुको 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 अंकल, देखो मेरी बात सुनो, नया साल है, गोली में चलाना आप। अब लोगों को विश करना है, उसके बाद आप इनको गोली मार देना, ठीक है? ठीक है, गोली मार दो। तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। And wish you all a very happy